देश विदेश में मुजफ्फरपुर की पहचान के रूप में स्थापित शाही लीची की मिठास अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी भेज जाएगी। बुधवार को समाहरणालय सभागार में डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने इसे लेकर लीची टास्क फोर्स के साथ बैठक की। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने राधाकृष्ण इम्पैक्स कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका स्वाद चखेंगे। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी मुजफ्फरपुर की शाही लीची के मुरीद माने जाते हैं। दरअसल हर साल मुजफ्फरपुर की शाही लीची इस सीजन में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी जाती है। इसके लिए बागान से उन्नत किस्म की लीची को तोड़कर लाया जाता है और फिर उसे बेहतर तरीके से प्रोसेसिंग के तहत बेहतरीन फलों को छांटा जाता है। इसमें जो सबसे अच्छे फल निकल कर आते हैं उसे पीएमओ के लिए भेजा जाता है। डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि बागान से फल तोड़कर लाने के बाद प्रोसेसिंग के जरिए अच्छे फल निकालते हैं जिसकी पैकिंग की जाती है। बागान चुनने में काफी सतर्कता और मानक का भी पालन किया जाता है। वैसे बागान चुनते हैं जिसमें रखरखाव अच्छा हो, बेहतर फल हो आते हैं, वो लीची के पेड़ों की देखभाल की जाती हो, वैसे बागानों का चयन करते हैं। उसमें से बेहतर फलों को अलग किया जाता है। इसके लिए दिल्ली और पुणे से विशेषज्ञ आते हैं। उन्हें बागान में जाकर फल दिखाया जाता है। चयनित फलों को पैकिंग के बाद पीएमओ और राष्ट्रपति भवन भेजा जाता है। मुजफ्फरपुर की लीची जो हम लोग महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भेजते हैं उसके विषय में जो एक समिति गठित है उसकी बैठक की गई है और हम लोग उसके लिए सारी तैयारी सुनिश्चित करें ताकि इस समय हम लोग लीची का स्वाद सभी जो गणमान्य व्यक्ति उन तक पहुंचा सकें। सर लीची का क्या इस बार तो कई साल के बाद बढ़िया लीची का जो इस बार जैसा मिल रहा है कि उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद है। लीची टास्क फोर्स की भी बैठक हम लोगों ने की है जिसमें सभी जो लीची उत्पादक किसान हैं उनको उनके विचारों को सुना गया, उनमें जो समस्याएं आ रही उनको भी सुना गया है। और हम लोगों ने इस बार एक दिक्कत ये निकल के आ रही थी कि जो लीची लेकर के आने वाली पिकअप वैन्स हैं उनको नो एंट्री में समस्या होती है, तो हम लोगों ने पिछली बार की तरह इस बार भी ये नियम किया है और इसके लिए SSP सर से भी बात हो गई है कि जो लीची लेकर के पिकअप वैन आ रही हैं रेलवे स्टेशन पे जाने के लिए उन पिकअप वैन्स को नो एंट्री से छूट रहेगी और उसके लिए उनको कहीं से कोई निबंधन या ये सब कराने की आवश्यकता नहीं है। उनके विंड स्क्रीन पर वो लीची ढोने वाला वाहन लिखे उनके पीछे अगर लीची लदी रहेगी तो उनको नो एंट्री पर नहीं रोका जाएगा, उनको सीधे रेलवे स्टेशन तक जाने दिया जाएगा ताकि ससमय लीची भेजी जा सके। और इसके अलावा हम लोग लगातार जो लीची के किसान हैं उनसे बात कर रहे हैं कि इस लीची सीजन का बेहतरीन से बेहतरीन उनको फ़ायदा मिल सके।